डायनासोर्स धरती पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे ताकतवर जीव थे। 23 करोड़ साल पहले धरती का एक बड़ा हिस्सा इन विशालकाय जानवरों से भरा हुआ था। जहां एक तरफ डायनासोर्स हॉलीवुड फिल्मों और वैज्ञानिक खोजों का एक दिलचस्प विषय हैं, वहीं इनसे जुड़े कई राज ऐसे भी हैं जिनका जवाब ढूंढ पाने में मानव असफल रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम किसी डायनासोर को घर पर लाकर उसकी जांच नहीं कर सकते। हम पूरी तरह से धरती में मिले उनके जीवाश्मों पर निर्भर हैं। उनके आकार से लेकर उनके व्यवहार तक ऐसे कई सवाल हैं जो हमारी रुचि को डायनासोर्स के प्रति और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे डायनासोर से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों के बारे में। सबसे पहले डायनासोर्स। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आज से करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर 300 से ज्यादा डायनासोर्स की प्रजाति रहा करती थी, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर सबसे पहले अस्तित्व में आने वाले डायनासोर्स कौन से थे, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास उनके चंद जीवाश्म ही मौजूद हैं जिनसे ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। 1930 में मिले नयासोसोरस प्रजाति के जीवाश्म बताते हैं कि नयासोसोरस धरती पर बसने वाले सबसे पुराने डायनासोर्स थे। नयासोसोरस करीब 24 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं। ये प्रजाति 2 से 3 मीटर लंबी थी, जो कि छोटे जीवों और कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहती थी। लेकिन इसके बाद भी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर सबसे पहले अस्तित्व में आने वाले डायनासोर्स कौन से थे। कई प्रजातियां ऐसी रही होंगी जिनके जीवाश्म हमें मिले ही नहीं। सबसे पहले और सबसे पुराने डायनासोर्स कौन से थे, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। सबसे बड़े डायनासोर्स। कुछ लोगों का मानना है कि सुपरसोरस सबसे विशालकाय डायनासोर्स थे, लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से गलत होगा। सच तो यह है कि सुपरसोरस डायनासोर्स की विशालकाय प्रजातियों में से एक थे। इनके अलावा भी डायनासोर्स की कई बड़ी प्रजातियों के जीवाश्म हमें मिले हैं, जो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर सबसे बड़े डायनासोर्स कौन से थे। मौजूदा जीवाश्म भी इसका जवाब देने के लिए काफी नहीं है। हड्डियों के ढांचों को जोड़कर भी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिर डायनासोर्स की सबसे विशालकाय प्रजाति कौन सी थी। जैसे जैसे हम डायनासोर्स के नए जीवाश्मों की खोज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें पता लग रहा है कि डायनासोर्स की कई विशालकाय प्रजातियां अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। जब तक धरती में दफन सभी जीवाश्मों की खोज नहीं कर ली जाती, तब तक ये एक बड़ा राज बना रहेगा। सबसे तेज डायनासोर्स। हॉलीवुड फिल्मों में डायनासोर्स को तेजी से भागकर शिकार करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक तरह से गलत है। डायनासोर्स अपने शरीर के आकार और बनावट के चलते तेजी से हरकत करने में काफी मुश्किल का सामना करते थे। उनका बड़ा शरीर और छोटी टांगे उनके तेजी से भागने में अड़चन पैदा करती थी। पर ऐसा नहीं है कि सभी डायनासोर्स तेजी से भाग या हरकत नहीं कर सकते थे। लेकिन यहीं आकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर सबसे तेज डायनासोर्स कौन से थे। उनके फुटप्रिंट और दूसरे सबूतों से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में हमेशा से ही मुश्किलों का सामना करते आए हैं। एक हद तक अंदाजा लगाया गया है कि बड़े और मांस खाने वाले डायनासोर्स धीमे और सुस्त, जबकि आकार में छोटे ऑर्निथोमिमिड काफी फुर्तीले और तेजी से भाग सकते थे। वे किस रंग के थे? मूवीज में डायनासोर्स की त्वचा का रंग ज्यादातर हरे और गहरे रंगों में दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक सोच पर आधारित है। कुछ लोग उनकी पीढ़ियों से उनकी त्वचा के रंग का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन डायनासोर्स की त्वचा का रंग कैसा था, ये एक बड़ी बहस का विषय है। 2008 में मिले एक 10 करोड़ साल पुराने पंख को स्कैन करके खोजकर्ता इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर ये विशालकाय जीव किस रंग के थे। स्कैन में मिले कोशिकांग के रंग से इस बात का पता लगाया गया कि पंखों वाले डायनासोर्स का रंग कैसा था, लेकिन ये दुर्लभ सबूत डायनासोर्स की दूसरी प्रजातियों की
त्वचा का रंग बता पाने में बिल्कुल भी सहायक नहीं है। इसके अलावा इससे मिली जानकारी भी समय के साथ धुंधली होती आई है। पंख के पिगमेंट का रंग समय के साथ फीका पड़ सकता है। हमें अभी इस विषय पर बहुत काम करना है। डायनासोर्स असल में किस रंग के थे, इस बात का पता अब तक नहीं लग पाया है, क्योंकि वे जानते थे कि शिकारियों के हमलों के बाद कुछ ही अंडे सुरक्षित बच पाएंगे। 1970 में मायासोरा प्रजाति के धरती पर बने घोंसलों के अवशेष मिले, जिनसे मायासोरा के व्यवहार के अध्ययन में काफी मदद मिली। पता लगा कि मायासोरा अपने बच्चों की देखभाल तब तक किया करते थे जब तक वे खुद से अपना पेट भरने लायक नहीं हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रजाति ऐसी भी थी जो अपने नवजात बच्चों को पूरी तरह से उनके भाग्य पर छोड़कर चले जाते थे। एपेटोसोरस शाकाहारी थे और वे अंडों की देखभाल तब तक किया करते थे जब तक उनसे बच्चे बाहर नहीं आते थे। लेकिन चंद प्रजातियों के व्यवहार से समूची डायनासोर जाति का पता नहीं लगता। हम सही सही नहीं जानते कि वे आखिर अपने बच्चों को कैसे पालते थे। उन पर उगे सींग, कांटे और कलगियां। कई डायनासोर्स के सरों पर सींग और कांटेदार कलगियां पाई जाती थीं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फैंसी हेडगियर वाले ट्राइसेराटॉप्स थे, जबकि कुछ की कमर पर भी कांटेदार कलगियां थीं। पर डायनासोर्स के सर और कमर पर उगे इन कांटों और सींगों का आखिर क्या काम था? लेकिन ये भी इन कांटों का प्राथमिक काम नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि वे इनका प्रयोग अपने साथियों को पहचानने और सहवास के समय एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए करते थे। लेकिन सच में हम पूरी तरह से नहीं जानते कि डायनासोर्स के शरीर पर उगे इन कांटों और सींगों का आखिर क्या काम था। रात या दिन। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जीवाश्मों से डायनासोर्स के व्यवहार का पता नहीं लगता, इसी बात के चलते डायनासोर्स से जुड़े सबसे बड़े सवालों में से एक यह भी है कि आखिर वे दिन में ज्यादा सक्रिय रहते थे या रात में। काफी हद तक ये माना गया है कि डायनासोर्स रात में ज्यादा सक्रिय होते थे, क्योंकि उनके जीवाश्मों से मिले आंखों के पास की हड्डियों में बने घेरों से पता लगा है कि इससे उन्हें रात में चीजों को ज्यादा स्पष्ट देखने में मदद मिलती थी। लेकिन कुछ जीव विज्ञानी इससे असहमत हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हड्डियों में बने ये घेरे दूसरे जानवरों की आंखों पर भी मिलते हैं, जो रात की बजाय दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। सबसे बुद्धिमान डायनासोर्स। स्टेगोसोरस जैसे कुछ डायनासोर्स के दिमाग का आकार उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था, पर वे इसकी तुलना में कहीं ज्यादा समझदार थे। हम समय में पीछे जाकर तो उनकी बुद्धिमत्ता का पता नहीं लगा सकते, इसलिए उनके दिमाग का आकार ही एकमात्र जरिया रह जाता है जिससे उनकी समझदारी का पता लगाया जा सके। ट्राइसेराटॉप्स जैसे कुछ डायनासोर्स दूसरों से कहीं ज्यादा समझदार होते थे। अगर इनकी तुलना आज के जीवों से की जाए तो ये दिमाग में आज के वाइल्ड बीस्ट के जितने समझदार थे। ट्रूडन नाम की प्रजाति डायनासोर्स में सबसे बुद्धिमान थी। अध्ययन से पता लगा है कि कुछ प्रजातियां समय के साथ अपने दिमाग का विकास कर रही थीं। इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर डायनासोर्स अपने विलुप्त होने के कुछ और करोड़ साल खुद को बचा लेते तो क्या वे मानव जितना दिमाग विकसित कर लेते? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें।